ओके देन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को। प्लीज कंफर्म कर लेना वापस से ऑडियो वीडियो और स्क्रीन बराबर है कि नहीं। रितिका जालान जी कहती है थैंक यू फॉर एसपीओएम एससीएमपी क्लास, इट वाज हेल्पफुल एंड दैट हेल्प मी पास वन अटेम्प्ट एंड डिसाइडेड टू गो फॉर दिस। आई विल टेल यू एससीपीएम से भी बेटर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस हम देंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। चलो भाई लेट द गेम बिगिन। एवी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन मेरे एग्जाम्पल्स के साथ। तो अभी अपन लोग ने लैब पर यूनिट समझ लिया क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, मोटा मोटा एक ओवरऑल वी गॉट एन आइडिया। नाउ मैं तुम्हारे को बोलता हूं कि सपोज एसके म्यूचुअल फंड का, सुनो, एसके म्यूचुअल फंड का करंट नैव पर यूनिट चल रहा है ₹210.159 पर यूनिट, और मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास है 10 लाख रुपीज। आई हैव ₹10 लाख। हाउ मैनी यूनिट्स कैन आई परचेज? मैं आपको पूछ रहा हूं हाउ मैनी यूनिट्स कैन, हाउ मच यूनिट्स कैन आई परचेज? हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कैन आई परचेज? आई वॉन्ट क्विक आंसर्स। बोलो बोलो, टेल टेल। हाउ मेनी यूनिट्स कैन आई परचेज? तो क्या करूंगा मैं, 10 लाख रुपए हैं, एक एक का नैप कितना है 210.159, राइट गाइस? सो कितना आता है, कैन आई से इट इज 4758.30? एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म। हाँ नाउ हियर सर, अपने को कितने पॉइंट्स में लेना है, कितने यूनिट्स में लेना है, दैट इज द मेन क्वेश्चन दैट आई वांट टू आंसर हियर। सो मैं या तुम लोग ने नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे परचेज किया? नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज कैसे कैलकुलेट किया, आई मीन, तो आपने किया रुपीज 10 लैक्स, डिवाइड किया आपने रुपीज 210.159 के साथ, तो आपको मिल गया 4758.30 यूनिट्स। याद रखना, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी डिनोटेड इन फ्रैक्शंस बट यूनिट्स कैन बी डिनोटेड इन फ्रैक्शंस। तो रितिका जी, श्रीवी, अंजर, ये सब लोग को मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग आज से यूनिट्स को डेसिमल में डिनोट करेंगे, 2 डेसिमल में भी डिनोट करेंगे तो भी परवाह नहीं है, 2 डेसिमल में डिनोट करेंगे तो भी परवाह नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी? किसी को कोई शक, कोई डाउट? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? सो आज मैं तुम लोग को एक कंक्लूजन दे रहा हूं जो आपको आगे हर सम के लिए ध्यान में रखना है। सुनो, नैव ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया मेरा इधर, तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी मेरा यूनिट पॉइंट में हो सकता है, और मेरा नैव वो तो लास्ट सम में ही हम लोग ने देखा, वो भी पॉइंट में हो सकता है। बट अगर आप लोग ने देखा होगा तो नैव पर यूनिट के लिए मैंने 4 डेसिमल लिए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए मैं लूंगा 2 डेसिमल। क्यों ना इसको मैं लिख लूं, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप लोग को ये पूछने की जरूरत ना पड़े। सर, यूनिट्स कैन बी परचेस्ड इन डेसिमल्स इन पॉइंट्स? यस वर्षा मैम। सो कंक्लूजन इज दिस, नैव पर यूनिट, हेलो, नैव पर यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कैन बी इन डेसिमल्स, कैन बी इन डेसिमल्स, ओके? बट ध्यान रखना, नैव पर यूनिट के लिए 4 डेसिमल अलाउड है भैया, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए 2 डेसिमल। हे समझ गए? ओके, ये मैं आप लोगों को क्यों दे रहा हूं, फॉर एग्जाम पर्पस, या इन जनरल भी ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली भी। सो कैन यूनिट्स बी परचेज्ड इन डेसिमल्स? आंसर इज यस। प्लीज ये कंक्लूजन लिख लेना ताकि आगे कोई समय ये कंफ्यूजन ना हो। लोगों बता रहे, हाँ भाई, यूनिट्स 2 डेसिमल, नैव पर यूनिट 4 डेसिमल, बराबर ना? चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़ेंगे गाइस, लेट्स स्टार्ट।
प्लीज एक बार लिख लो, ये वाला चीज लिख लो सब लोग। चलो एक चीज मैंने आप लोग को बताई थी ब्रेक पे जाने के पहले, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। नैव पर यूनिट कब कैलकुलेट होता है? नैव पर यूनिट कब कैलकुलेट होता है? बोलो बोलो, टेल टेल गाइज, यू हैव टू बी क्विक हा इन योर आंसर्स। नैव पर यूनिट कब कैलकुलेट होता है? एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन। वेरी गुड भार्गवा। कौन कैलकुलेट करके देता है ये? यस, ये कैलकुलेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। तो आपको या मेरे को अपॉइंट करेगी सेबी और म्यूचुअल फंड कंपनी और बोलेगी चलो मिस्टर संकल्प, आपके पास इतना नॉलेज है म्यूचुअल फंड का, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम अक्रूड, कैश सरप्लस, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, लेस एक्सपेंसेस अक्रूड, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, ये सब नॉलेज खाली आपके पास है सीए साहब। मिस्टर संकल्प कांचटिया, यू आर द रियल पर्सन जो कैलकुलेट करके दिखा सकता है हमको एवरी डे एंड पे नैव पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करना है। मैं बोला यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे ही मैंने ये बोला उनको, मेरे को एक ये मिल गया अथॉरिटी, एक पदवी मिल गई कॉल्ड एज ए CIO। सो जो ये एवरीडे बेसिस पे नैव कैलकुलेट करने का जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द CIO, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। यस, ठीक है। तो आज मैं भरी सभा में आपको अपॉइंट करता हूं एज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ माय कंपनी। आओ अपॉइंट करता हूं मैं और सम को सॉल्व करते हैं CIO। Yes, so we will start with CIO. CIO कौन है? CIO इस कंपनी का, CIO का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है? चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। इसका रोल क्या होता है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का? एवरी डे नैव लास्ट 3:30 बजे सेबी का जब फोन आएगा ना, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है ये पूरा का पूरा नैव कैलकुलेट करने के लिए। क्या बात कर रहे हो, समझे क्या, बड़ा आदमी है। अब मैं आपको अपॉइंट करता हूं मेरी कंपनी का CIO, SK म्यूचुअल फंड कंपनी के CIO, और कोई नहीं आप हो। ठीक है, मेरा SK म्यूचुअल फंड एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, ध्यान से सुनते रहना प्लीज, एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। सुनो, 4 जैन को इस म्यूचुअल फंड का क्लोजिंग NAV, जिसको अपन क्लोजिंग नैव बोलते हैं, दैट वाज ₹15 पर यूनिट। दैट वाज गवर्नर से CIO। हाँ यार, तुम लोग मतलब सही मजे है यार, कल गवर्नर थे यार CIO बन गए, कितना पैसा छाप रहे हो यार, थोड़ा मेरे को भी दे दो। क्लोजिंग नैव हमारे 4 जैन को है ₹15 पर यूनिट, और उसी दिन को हमारे पास आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, कौन हम, SK म्यूचुअल फंड के पास आउटस्टैंडिंग यूनिट्स थे 20 लाख यूनिट्स, 20 लाख यूनिट्स। ठीक है, अब सुनना, ध्यान से सुनना प्लीज, ये 4 जैन 3:30 PM को हमारा डेटा है। ठीक है, 5 जैन को हुआ कुछ ऐसा, मॉर्निंग 9:30 AM, आप में से कौन मेरा मुझे बोलो ना, आप में से कौन मेरा ये बनना चाहेगा, आप लोग में से कौन मेरा इन्वेस्टर बनना चाहेगा, जो यस बोलेगा उसको मैं, जो फर्स्ट यस बोलेगा उसको मैं बनाऊंगा मेरा इन्वेस्टर। मॉर्निंग 9:30 AM को, हेलो, मॉर्निंग 9:30 AM को मेरे पास आता है मिस्टर मिस उर्वशी, मिस उर्वशी। 9:30 AM को आती है मिस उर्वशी,
और उर्वशी बोलती है कि सर आई वॉन्ट 80,000 यूनिट्स ऑफ एसके म्यूचुअल फंड, ऑफ एसके म्यूचुअल फंड। ज्यादा स्टार्टिंग में जब मैं म्यूचुअल फंड बोल रहा था तुम लोगों को, तो यश ने 1 लाख का म्यूचुअल फंड लिया, मीनल ने 75,000 रुपीज का लिया, रिया ने 25,000 रुपीज का लिया, बट वो टाइम पे उर्वशी ने मेरा म्यूचुअल फंड नहीं लिया। उर्वशी बोलती है अरे ये सर के ऊपर देखते हैं, कुछ पता नहीं है क्या बराबर इन्वेस्ट करेगा कि नहीं, पर देखते ही देखते हमारे म्यूचुअल फंड का नैव हो गया है 10 रुपीज से 15 रुपीज। तो अब उर्वशी जी को लग रहा है कि मेरे को एसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप मुझे बताएंगे, चलो ठीक है बस इतना मैं बता देता हूँ, बाकी चलो आगे मैं तुम लोग को ही सॉल्व करने को दूंगा। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट कहते हैं 5 जैन को, नेक्स्ट कौन यस लिखेगा मैं उसका नाम लूंगा, 5 जैन नेक्स्ट डे 5 जैन। वापस से देखो 4 जैन को तो 15 रुपए का नैप था, 5 जैन को सुबह 9:30 बजे उर्वशी आ गई, खड़ी हो गई मेरे म्यूचुअल फंड कंपनी के बाहर, सर 80,000 यूनिट दो ना। बोला हाँ ठीक है देता हूँ। यस ओके इट इज आई डोंट नो हु इट इज। चलो लेट्स टेक मिस्टर भारत। सो 5 जैन को आफ्टरनून 12:30 मिस्टर भरत कम्स एंड टेल्स आई वॉन्ट टू सेल 30,000 यूनिट्स, आई वॉन्ट टू सेल 30,000 यूनिट्स। ठीक है डन। हाँ आई वॉन्ट टू सेल 30,000 यूनिट्स, 5 जैन को भरत आके मेरे को बोलता है डन। अब सुनो 5 जैन को और एक कांड हुआ, क्या एस के म्यूचुअल फंड को डिविडेंड मिला, रिसीव्स डिविडेंड कितने का पता है, ऑफ रुपीज 1,50,000, ऑफ रुपीज 1,50,000। और एक कांड हुआ 5 जैन को, ये हुआ 11 AM को, ये हुआ 11:30 AM को। क्या हुआ पता है, म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो था ना, जो मैंने इन्वेस्ट किया था, वो पोर्टफोलियो में अप्रिसिएशन हुआ। बाय द वे अप्रिसिएशन की जगह डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, तो उतना नैव गिर जाएगा। कितना अप्रिसिएशन हुआ पता है, रुपीज फाइव लाख का पोर्टफोलियो का अप्रिसिएशन हुआ। आपको, आप हो ना CIO, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, तो अब आपको कैलकुलेट करना है नैव पर यूनिट एट 3:30 PM, एट 3:30 PM ऑन 5 जैन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैसे मैं आपको खाली बता दूं आपके नॉलेज के लिए, जब उर्वशी मेरे पास आई यूनिट्स लेने के लिए 80,000, तो उसको बोलते हैं एसके म्यूचुअल फंड ने इशू किया यूनिट, इसको बोलते हैं इशू ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। और जब भरत बेचने को आया तो उसको बोलते हैं रीपर्चेज, द म्यूचुअल फंड कंपनीज रीपर्चेजिंग, या उसको बोलते हैं रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड। समझ में आया क्या? तुम लोग को 5 मिनट दू मैं सॉल्व करने के लिए, या सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर दू? जैसा तुम लोग बोलो, दू 2-4 मिनट या सीधा चालू कर दू आंसर? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? ओहो भार्गवा इज डाउन विद द आंसर, आई वॉन्ट इन 4 decimals बाय द वे। चलो यार टाइम स्टार्ट नाउ, सब लोग बोल रहे सर हम लोग भी करेंगे, 2 मिनट दे रहा हूं स्टार्ट।
ओके टाइम इज अप। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, मेरे को तुम लोग के आंसर्स चाहिए फटाफट। तुम लोगों को मैंने काफी टाइम दिया, मेरे पास दो कुछ आंसर्स आ भी गए हैं स्टूडेंट्स के। अदर्स इफ यू कैन आंसर दैट वुड रियली बी ग्रेट, इवन इफ नॉट चलो डिस्कशन एटलीस्ट अभी अपन लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लेट मी सी सम आंसर्स आर करेक्ट, सम आंसर्स आर रॉन्ग, सम आंसर्स आर करेक्ट, सम आंसर्स आर रॉन्ग। लास्ट आंसर आया मेरे पास यस का, एंड यस का आंसर इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो इधर सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करना है लॉजिकली, फटाफट मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से एक एक चीज को समझते जाएंगे एंड वील बी एबल टू मैनेज। अब सुनो ये देखो यहां पे है ना, कहानी स्टार्ट कहां से हो रही है, फोर्थ जैन से। फोर्थ जैन को मेरे पास आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है, फोर्थ जैन को मेरे पास क्लोजिंग नैव पर यूनिट भी है, तो कहना इसे फोर्थ जैन को मेरे पास टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है मेरे पास पता चल जाएगा मेरे को यार। भाई एसेट अंडर मैनेजमेंट जो भी कुछ देर पहले पढ़ा था समझ में आता है ना लॉजिकली, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट मेरे पास कहना इसे 15 × 2 लाख 20 लाख यूनिट, 30 लाख का है, 30 लाख नहीं 3 करोड़ का है। अरे बोलो ना यार, बोलते क्यों नहीं तुम लोग, प्लीज कंफर्म करते जाओ भैया। क्लियर है क्या, मेरे पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फोर्थ जैन का दिया हुआ है ना, फोर्थ जैन 330 का, तो मैं बोलूंगा टोटल नेट असेट वैल्यू पर यूनिट नहीं, टोटल नेट असेट वैल्यू दिया हुआ है कितना, हम लोग बोलेंगे सर 2 लाख यूनिट इंटू 15 पर यूनिट, सर 3 करोड़ का, आई मीन 300 लैक्स का, बराबर है, एकदम बराबर है सर, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, यस सर। ठीक है अब क्या क्या होते गया देखते जाओ। हाँ अब क्या क्या हुआ, पहले हमारे पास आई उर्वशी, उर्वशी टेगे डेजी, उर्वशी आके बोली सर मेरे को 80,000 यूनिट्स चाहिए। हमने बोला ओके हम तेरे को 80,000 यूनिट्स इशू करेंगे, क्या रेट पे इशू करेंगे, क्लोजिंग नैव ऑफ प्रीवियस डे 5th जैन 9:30 AM के लिए, तो 4th जैन 3:30 को जो क्लोजिंग नैव था वही आएगा विच इज एट 15 रुपीज, तो हमने यूनिट्स इशू किए, उर्वशी ने हमारे को पैसा दिया, हमने यूनिट्स इशू किए, उर्वशी ने हमारे को पैसा दिया, कितना पैसा दिया उर्वशी ने हमारे को 80,000 × 15, मतलब कहना इसे कैश रिसीव्ड, हेलो कैश रिसीव्ड एड, हेलो एड कैश रिसीव्ड, कितना कैश रिसीव्ड, टोटल 80,000 × 15 पर यूनिट, सो 80,000 × 15 12 लाख, 12 लाख रुपीज का कैश रिसीव हुआ है। क्यों हुआ ये कैश रिसीव, लिख दो ऑन इश्यू ऑफ यूनिट्स, ऑन इश्यू ऑफ यूनिट्स, ऑन इश्यू ऑफ यूनिट्स। राइट रिया बोल रही है सर टोटल तो 20 लाख यूनिट्स है ना, तो रिया थोड़ा ध्यान दे, रिया का ध्यान नहीं है, 20 लाख ही लिखा है रिया, देख जरा बराबर से। तो कैश रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ यूनिट्स 20 लाख। फिर मेरे पास आया भरत, भरत बोलता है सर मेरे को 30,000 यूनिट्स बेचना है, बोला बेचूंगा बट वही प्रीवियस क्लोज पे 15 के ऊपर, तो कहना इसे अब भरत को पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो उतना कैश कम हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा लेस कैश पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स। ये जो मैं लिख रहा हूं ना उसके पीछे का कुछ रीजन है, आपको भी एग्जाम में ये वर्ड्स लिख कर आने हैं, एग्जामिनर तो ही मार्क्स देगा, अपने को एक मार्क भी कटना नहीं चाहिए, 100 out of 100 का टारगेट रखेंगे यार, क्या बात करते हो। सो कैश पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ कैश पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स कितना, 30,000 यूनिट्स इंटू 30,000 यूनिट्स इंटू 15 पर यूनिट कितना, 4,50,000, 4,50,000 ये पैसा गया तो माइनस। अब क्या हुआ उसके बाद, एसके म्यूचुअल फंड को डिविडेंड मिला 1.5 लाख रुपया, 1,50,000, तो कहना इसे ये मेरे एआईयूएम में ऐड हो जाएगा, कहना इसे ये मेरे एयूएम में ऐड हो जाएगा, ऐड डिविडेंड रिसीव्ड, ऐड डिविडेंड रिसीव्ड कितना सर 1,50,000 मिला है। उसके बाद सर पोर्टफोलियो में अप्रिसिएशन हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो,
तो ये जो 20 × 15 3 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है ना, उसमें खाली अप्रिसिएशन का अमाउंट लिख रहा हूं मैं कि भाई इतना अमाउंट तक का, 3 करोड़ तक का तो मैंने लिया हुआ ही है, अप्रिशिएट कितना हुआ है, उसकी वजह से मेरा एयूएम कितना बड़ा है 5 लाख से, लिख दो। सो एड, हेलो एड, पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन कितना सर? 5 लाख सर, 5 लाख। इसी के साथ 5 जैन को मुझे पता चल गया मेरे पास टोटल कितना एयूएम है। सो 5 जैन को मेरे को सेबी को फोन आएगा। मेरे को क्यों सेबी परेशान करती है? क्योंकि मैं इस कंपनी का सीआईओ हूं, समझे क्या? चलो ऐड करो, 3 करोड़ + 12 लाख, 3 करोड़ 12 लाख -450 +50, तो 3 और 2 तो 3 करोड़ 14 लाख हो जाता है। सो 3 करोड़ 14 लाख रुपीज यहाँ पे मेरा आ गया। डिवाइड, अच्छा माइनस कुछ कॉस्ट लगाए क्या? नहीं, डिवाइड बाय मैं क्या करता हूं, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पे समझना जरूरी है आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। हाँ मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है कि सुनो, टोटल 20 लाख यूनिट्स थे, उर्वशी आई उसको और यूनिट्स इशू किए तो मेरे 5 लाख यूनिट्स इशू करके और बढ़ गए। भरत आया वो रिडीम करके गया, मतलब वो लेके गया 30,000 यूनिट बेसिकली, बराबर ना, वो आया और उसने बेच दिया। सो बेच दिया तो 30,000 यूनिट्स कम हो गए, तो बचे कितने? तो 20 लाख प्लस 5 25 -30,000। अच्छा उर्वशी 80,000 देगी। ओके 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 उर्वशी, डोंट वरी, 5 लाख यूनिट नहीं दूंगा तेरे को, खुश। उर्वशी 80,000 यूनिट्स उर्वशी को इशू किया, उर्वशी को इशू किया और 30,000 रिडीम किया, तो आज मेरे पास कितना बचता है? 20,50,000 यूनिट्स। इस 20,50,000 यूनिट्स का एयूएम कितना है? 3 करोड़ 14 लाख। मतलब मेरा नैव पर यूनिट कितना हुआ? यस, वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी लोगों का क्या क्या गलती हुआ है ये प्लीज मुझे आप लोग बताएंगे, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स यार, एज सच प्लीज टेल मी। एंड इट इज ₹15.3171 पर यूनिट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? किसी को कोई भी डाउट, कोई शक? लॉजिकली सब लोग समझ रहे हैं? हाँ, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स में मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं, अब समझ गया। ऑल इज वेल डन। और किसी का कोई मिस्टेक जो मुझे साथ शेयर करना चाहता हो? आई थिंक मेजोरिटी पब्लिक का कैलकुलेशन डिड नॉट कंसिडर कैश फैक्टर। कौन सा कैश फैक्टर? वंशिका बोल रही है कि सर जब यूनिट्स इशू किया तो कैश आवण, और जब यूनिट्स रिडीम किया तो कैश जावण, मतलब गया वो लेना ही रह गया उसका। गुड पॉइंट। तो ये सब चीज दूसरों की मिस्टेक से अपने को ध्यान में रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है? चलो नाउ एवरीथिंग इज ऑल क्लियर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों ना इसका अपन लोग एक फॉर्मेट बना ले। इफ डेली इंफॉर्मेशन इज गिवन, ओके, उदय ऑल्सो डिड नॉट कंसिडर इशू एंड सेल, नाउ आई होप यू आर क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, यहां पे क्या अगर नोट किया तुम लोग ने, डेली इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई ओपनिंग दिया है और फिर डेली क्या इंफॉर्मेशन हो रहा है, क्या यूनिट सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, डिविडेंड, डेली इंफॉर्मेशन दिया है। तो जब डेली इंफॉर्मेशन दिया होता है तो उसका एक फॉर्मेट बना ले, तो क्या होता है, आओ उसका एक फॉर्मेट बनाते हैं अपन लोग, कैलकुलेशन ऑफ नैव व्हेन डेली इन्फो इज गिवन। अभी तुम लोग मेरे साथ फटाफट आंसर लिखते, ये लिखते जाओगे, कैलकुलेशन ऑफ नैव व्हेन डेली इन्फो इज गिवन। बोलो बोलो, चल चल, क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कि भाई मेरे पास कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है ऑन द ओपनिंग डे, विच इज 4th of Jan इन आर एग्जाम्पल, उसको बोलेंगे अपन लोग ओपनिंग नेट एसेट वैल्यू। ओपनिंग टोटल नेट एसेट वैल्यू क्या होता है ये?
येस्टरडेज नैव पर यूनिट, बराबर ना? ये कैसे कैलकुलेट किया हम लोग ने, फोर्थ जैन का नैव पर यूनिट लिया, फोर्थ जैन का नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग लिया, मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय आउट मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, समझ में आ गई बात? डन। अब इसमें एड लेस करते जाओ, क्या एड होगा? उर्वशी ने जो अपने से पहले यूनिट्स लिया तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ यूनिट्स पे कैश रिसीव्ड। सो मनी इनफ्लो या जिसको बोलेंगे कैश रिसीव्ड किस पे? ऑन इश्यू ऑफ न्यू यूनिट्स, ऑन इश्यू ऑफ न्यू यूनिट्स। डियर है, क्लियर है? लेस मनी कैश पेड कब 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 कब? करेक्ट, ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स। फिर डिविडेंड मिला और अप्रिसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो, अरे यही हुआ ना, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। सो एड डिविडेंड मिला या इंटरेस्ट या एनी अदर इनकम रिसीव, या एनी अदर इनकम रिसीव। फिर पोर्टफोलियो में अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कुछ भी हो सकता है, सो पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। क्लियर एवरीबॉडी? एंड फाइनली, अगर ये सब में तो नहीं हुआ है, बट अगर कोई एक्सपेंस एनी अदर एक्सपेंस इंकर ड्यूरिंग द डे, क्योंकि डेली है ना, इंकर ड्यूरिंग द डे अगर कोई खर्चा हुआ तो, ड्यूरिंग द एनी अदर एक्सपेंस इंकर ड्यूरिंग द डे, ये अगर सब देख लेंगे अपन तो मुझे मिल जाएगा मेरा क्लोजिंग नैव। सही है? इसको मेरे को क्या करना है, डिवाइड बाय एज यूजुअल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, तो मुझे मिल जाएगा नैव पर यूनिट। बट ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होता है बिटुआ? हेलो, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होगा? तो अपने को यहां पे लिखना पड़ेगा येस्टरडेज टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, येस्टरडेज टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर कोई यूनिट्स इशू किया तो एड न्यू इशू ऑफ यूनिट्स, और अगर कोई यूनिट लेस मतलब रिडेम्पशन हुआ सो लेस रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स। जो बच गया वो है मेरा आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट। हे गाइस, क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट्स? क्लियर है? अब देखो, आइडियली ये फॉर्मूला तो है ना, हेलो, आइडियली ये फॉर्मूला यहाँ पे देखो, मैंने तुम लोग को ये सम स्टार्ट करने के पहले दे दिया, तो ताकि तुम लोग जब कल उठ के सम रिवाइज करना चालू करोगे तो तुम लोग के पास
तो पहले मैंने क्या दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है कॉन्सेप्ट। तो तुम लोग जब रिवाइज करने आओगे तो सीधा क्वेश्चन नंबर 2 रिवाइज करोगे, तो हो सकता है तुम्हारे को तारे सितारे दिखे, बट अब तुम लोग के पास पहले कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ नैव एंड डेली इन्फॉर्मेशन इज गिवेन। तो आप लोग देख लेंगे येस्टरडेज नैव प्लस डिविडेंड रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन मनी रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ यूनिट्स मनी पेड ऑन रिडेम्पशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ये सब माइनस करने के बाद क्लोजिंग नैव डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स येस्टरडेज नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस यूनिट इशू माइनस यूनिट रिडीम्ड एंड फाइनली आई विल गेट द नैव। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल योर्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल योर्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट में फटाफट सब लोगों को सॉल्व करना है, स्टार्ट। तो पहले कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने तुम लोगों को लिखवाया, फिर भी मैंने लिखवाया, मेरे पास इधर आंसर रेडी है, मेरे पास ये सेम चीज मैजिक बुक में भी है, फिर भी मैंने लिखवाया, सो दैट आप लोगों को एक राइटिंग का एक प्रैक्टिस मिल जाए यार। कि मैं तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ, मास्टर क्लास है, हक से बोल सकता हूँ कि सीधा यहां से देख लो उठा लो, बट कुछ चीजें है जो मुझे लगता है लिखवानी है, वो लिखवानी है, डोंट वरी। ठीक है, चलो डन। सो नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। कैलकुलेट टोटल टुडेज नैव, मतलब ये येस्टरडे नैव वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आज आपको आज का नैव कैलकुलेट करना है और आप हो इस कंपनी के सीआईओ। टुडेज नैव ऑफ फ्लेक्सी फंड इफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन, येस्टरडेज नैव इज गिवन, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स इज गिवन, एक्सपेंस हुआ है एक दिन में हुआ है, अज्यूम सेल्स नैव एंड रिपर्चेज नैव टू बी 12.87, मतलब जब मालूम ये अपना येस्टरडेज नैव चाहिए रहता है अपने को, ये वो है 12.87। तो उर्वशी भी जब आई थी तो अपन लोग ने 15 रुपीज में इशू किया, भरत भी जब आया तो 15 रुपीज में अपन लोग ने रिडीम किया, तो यहाँ पे वो लोग वही बोल रहे हैं। अप्रिसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो दे दिया है, यूनिट्स रिडीम कितना हुआ है, यूनिट्स फ्रेश सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, एंड डिविडेंड रिसीव कितना हुआ है वो भी यहाँ पे आ गया है। यार अब इस सम के लिए तुम्हारे को मेरी जरूरत है कि खुद से कर लोगे, वेरी गुड, क्या बात है शेखर सिंह, करे आंसर भी आ गया उसका, तो बस आंसर रॉन्ग है वो अलग बात है, बट आ गया बंदे का आंसर, वेरी गुड बॉय। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। शेखर जी आपका जवाब गलत है, कोई बात नहीं, आपके साथ हम है, आपका भाई है, तो वो सॉल्व करवा देगा आपको। सो अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अपने को कैलकुलेट करना है नैव। भार्गवा वेल डन माय बॉय, करेक्ट है। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं, सबसे पहले अभी थोड़ा इसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, मेन आंसर तो तुम लोग के पास है। अब येस्टरडेज नैव कितना है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन, नंबर ऑफ यूनिट्स 1.25 करोड़, 12.87 इनटू कितना 1.25 करोड़ यूनिट्स, तो कितना आता है 16.0875 करोड़, 16.0875 करोड़, सो 16 करोड़ 8,75,000 बेसिकली, पूरा ही लिख लेते हैं यार वरना कंफ्यूजन ना हो, मुझे लग रहा है ये शेखर का इसी में गलती हुआ रहेगा कुछ ना कुछ तो। हाँ शेखर बिटवा क्या हो लगता है, 16 करोड़ 8,75,000। ए चलो 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 नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एड मनी रिसीव्ड ऑन इशू, बोलो कितना मनी रिसीव कर रहा हूं मैं इशू के ऊपर, 12.87, और कितना इशू किया फ्रेश सब्सक्रिप्शन 2 लाख, बराबर। चलो डन, सो 2 लाख इंटू 12.87 पर यूनिट, तुम लोग का तो सब लोग का आंसर भी आ गया, तो मैं ये सॉल्व किसके लिए, अपने आप के लिए कर रहा हूँ क्या। मनी पेड, मनी पेड कितना 0.75 लाख इंटू 12.87, मुझे बताओ इसका आंसर बताते जाओ, बराबर है। तो ये कितना आता है देखो जरा, 2 लाख इंटू 12.87, 2,574,000, हाँ फिर 9,62,005, 9,65,250, बट ये गया है पैसा, तो
तो माइनस में लिखेंगे, बट साथ में कुछ डिविडेंड भी मिला है, कुछ पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन भी हुआ है, बट कुछ खर्चा भी हुआ है। फटाफट एक शॉट में तीनों भी लिख दो यार, कम ऑन यार, एज सच कम ऑन। एक्सपेंसेस 1 लाख का, 12 लाख का अप्रिसिएशन, डिविडेंड 1 लाख का, बहुत अच्छे, 1 लाख का, 1 लाख का खर्चा और 12 लाख का पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, ये सब मिला के प्लीज मुझे थोड़ा आप लोग बताओ यार, मुझे बताओ फटाफट कितना आ रहा है टोटल नेट एसेट्स, कैलकुलेट करके बताओ, खुद कैलकुलेट करके मस्त बैठे हैं सेठ सेठानी जैसे, हाँ करने दो इसको सॉल्व। यार टोटल नेट एसेट्स डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना आता है आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स देखो जरा, पहले था 1.25 करोर, फिर 2 लाख और इशू किया, 0.75 गया, तो बचा कितना, 1.25 और ऐड हुआ, सो कितना होता है 1 करोड़ 25 लाख था, और 1 करोड़ 1 लाख 25,000, तो 1 करोड़ 26 लाख 25,000 यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। टोटल नेट एसेट कितना आता है, थैंक यू रितिका जी, सो 1 करोड़ 63,683,750 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लिया, मुझे मिल गया फाइनली मेरा नैव पर यूनिट। इसमें इधर तक किसी को कोई भी डाउट, सब सही जा रहे हैं ना, 12.9650। डन एंड डस्टेड, तो एग्जाम्पल भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी हो गया और उससे रिलेटेड सम भी हो गया। ओके डन, अब चलो अब 2 मिनट दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओ यस पब्लिक डन, वेरी नाइस, सब लोग का आंसर आ गया खुद से, ग्रेट, इजी था। सो 1 डन 2 डन 3 डन, अब सुनो तुम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम लोग यहां पे मार्क करते जाओ। तुम लोग ने कल पूछा था ना सर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, ये कर लो, इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड हो गया टिक कर लो, नैव कर लो, कुछ चीजें जो खुद से रीड करनी है वो मैं तुमको बताऊंगा, वो खुद से रीड कर लेनी है वैसे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 डन, क्या मेरे को डिस्कस भी करने की जरूरत है क्या क्वेश्चन नंबर 3, आई डोंट थिंक सो, फिर भी कर लेता हूं। तो देखो इधर यहाँ पे सब लोग का मार्केट प्राइस वो लोग ने दिया हुआ है, वो मार्केट प्राइस के हिसाब से मैंने नैव निकाला, लेस टोटल अक्रूड एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, डिवाइड बाय अक्रूड एक्सपेंसेस भी है लायबिलिटीज भी है माइनस कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया, तो मुझे आ गया नैव पर यूनिट। छोड़ी बच्ची हो क्या, इतना इजी सम था ये क्वेश्चन नंबर 3। अब आ रहे अपन लोग एक न्यू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन क्लोज एंडेड फंड। सुनो अभी अपन लोग ने जो सम्स किया, स्पेशली ये वाला जो सम है, डेली नैप चेंज हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ ओपन एंडेड फंड, क्योंकि ओपन एंडेड फंड में आपको जब चाहे तब आप जाके खरीद सकते हो नया यूनिट्स, जब चाहे तब आप बेच सकते हो यूनिट्स, तो ऑल ऑफ दैट परचेजिंग ऑफ न्यू यूनिट्स, सेल ऑफ न्यू यूनिट्स, ऑल ऑफ दैट is only possible, hello, all of that is only possible in case of a open-ended fund. Closed-ended fund में तो ये सब नहीं होता है, तो closed-ended fund में क्या होता है वो सिखाने के लिए मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ closed-ended funds. आओ चालू करते हैं closed-ended funds, चालू करते हैं closed-ended, ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा मैं एज यूजुअल, सपोज एस के म्यूचुअल फंड है, इस एस के म्यूचुअल फंड का मैं हूं सीआईओ या तुम हो इस एस के म्यूचुअल फंड के सीआईओ,
ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड में फर्क क्या है कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स का परचेज एंड सेल इज एट नैव पर यूनिट, बट सुनो क्लोज एंडेड फंड बोलेगा हम लोग तो रोज खरीद भी नहीं रहे, हम लोग तो रोज यूनिट्स बेच भी नहीं रहे, तो हमारा एज सच नैव कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तो लोग कोई खरीद रहे ही नहीं है ना हमारे पास से, ठीक है ना। हाँ नैव कैलकुलेशन होगा, आई विल नॉट से दैट नैव कैलकुलेशन नहीं होगा, बट नैव कैलकुलेशन के बेसिस पे जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मेरे को क्लोज एंडेड फंड खरीदना है और बेचना है तो वो मैं कहां से कर सकता हूं, आई कैन डू इट फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। तो मार्केट प्राइस के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग होता है क्लोज एंडेड फंड का, ये बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सुनो, इन केस ऑफ क्लोज एंडेड फंड्स बाइंग एंड सेल, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड इज एट द रेट मार्केट प्राइस पर यूनिट, और कहां पे हो रहा है ये, इन द सेकेंडरी मार्केट, बाकी नॉर्मली नहीं हो सकता है। चलो स्टार्ट करेंगे। इसका भी नैव होता है कैलकुलेट, बट वो नैव पे बाइंग एंड सेलिंग कब हो सकता है, जब म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली बाय या सेल कर रहे हो, क्योंकि नैव कैलकुलेट करता है म्यूचुअल फंड कंपनी, बट आप म्यूचुअल फंड से बाय सेल कर ही नहीं रहे हो। तो अब आप बाय सेल करते हो ना सेकेंडरी मार्केट में, तो सेकेंडरी मार्केट में बाय सेल कभी भी सेंटिमेंट्स, इमोशंस, डिमांड, सेल डिमांड का कितना पावर है, सेलिंग का, सप्लाई का कितना पावर है, वो सब के ऊपर डिटरमाइन करता है मार्केट प्राइस, और फिर उस प्राइस पे बाइंग एंड सेलिंग होता है जो होगा नैव के आसपास ही, बट एग्जैक्ट नैव पे बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगा। ध्यान से समझा मेरी बात को, क्या बोलता हूं, क्लियर है, समझ रहे हो? आओ और एक एग्जांपल को कंटिन्यू करते अब देर इज एस के म्यूचुअल फंड, एंड मैं आपको बता दूं ये एस के म्यूचुअल फंड एक क्लोज एंडेड फंड है। इस फंड का नैव पर यूनिट है ₹12 पर यूनिट, इस फंड का नैव पर यूनिट है ₹12 पर यूनिट। इस फंड का मार्केट प्राइस पर यूनिट है, मार्केट प्राइस कहां पे होता है, स्टॉक मार्केट में, इसका मार्केट प्राइस है ₹14 पर यूनिट। ध्यान से जवाब देना, अगर मेरे को बाय सेल करना है एसके म्यूचुअल फंड तो क्या रेट पे होगा, इफ आई वॉन्ट टू बाय और सेल एसके म्यूचुअल फंड, इट विल बी एट मार्केट प्राइस। That is ₹14 per unit. That is ₹14 per, समझ में आ गया? ठीक है, अब सुनो दूसरा एग्जाम्पल। सपोज क्लोज एंडेड फंड है, ठीक है, इस क्लोज एंडेड फंड का नैव है ₹12 पर यूनिट और मार्केट प्राइस है ₹14 पर यूनिट। अरे सॉरी, क्लोज एंडेड फंड है, उसका नैब है ₹12 पर यूनिट, मार्केट प्राइस है ₹9 पर यूनिट। दोनों में डिफरेंस कितना है और इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, वो अब मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं, वो अब मैं तुम्हारे को बताने जा रहा हूं। सुनो, नैव अगर 12 है पर मार्केट में अगर ये चीज ₹14 में मिल रही है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रीमियम या डिस्काउंट।
बॉस अगर 12 रुपए की चीज का 14 रुपए देना पड़ रहा है तो इट इज कॉल्ड एज द फंड इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर यूनिट। समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो बोलो टेल टेल। और अगर यही चीज सस्ते में मिल रही है तो करेक्ट, इट इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 3 पर यूनिट। समझे? सो इन केस ऑफ क्लोज एंडेड फंड्स, इफ यूनिट्स का प्राइसिंग, सुनो, मार्केट प्राइस इज हायर देन नैव, तो अपन क्या बोलेंगे? प्रीमियम के ऊपर काम चालू है, प्रीमियम के ऊपर क्लोज एंडेड फंड बिक रहा है। एम आई राइट एवरीबॉडी? एम आई राइट एवरीबॉडी? सो मार्केट प्राइस ग्रेटर देन नैव, तो अपन बोलेंगे ट्रेडिंग एट प्रीमियम, बराबर है? बट अगर मार्केट प्राइस लेस देन नैव तो अपन बोलेंगे ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। समझे क्या? किसी को कोई डाउट, कोई शक? नहीं होना भी नहीं चाहिए। ऑल ऑफ दिस इज देयर, डोंट वरी, मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। अब एक और एग्जांपल, अब तुम लोगों को कुछ कैलकुलेट करके मुझे दिखाना है, ठीक है? 1 जैन को 1,000 यूनिट्स ऑफ एस के म्यूचुअल फंड इशू किया, और मैं बता दूं ये क्लोज एंडेड फंड है, क्लोज एंडेड फंड है, है? एट द रेट ₹10 per यूनिट मैंने परचेज किया, समझो मिस्टर संकल्प परचेज, या मिस्टर से कौन है, मिस्टर मोहिता, मिस्टर मोहिता परचेज 1,000 यूनिट्स ऑफ एस के म्यूचुअल फंड एट ₹10 per यूनिट ऑन 10th फेब, नैव एट द रेट ₹12 per यूनिट है, ऑन 10th फेब नैव एट द रेट ₹9 per यूनिट है, नैव एट द रेट ₹9 per यूनिट है। आपको बताना है, अब सुनो सुनो सुनो, आपको बताना है। यू हैव टू टेल, सपोज मैं आके बोलता हूं या मोहिता आके बोलता है अपने को, आई वॉन्ट टू सेल द यूनिट्स, आई वॉन्ट टू सेल द यूनिट्स ऑन 10th फेब, अपने को उसको बताना है कैलकुलेट हिज प्रॉफिट स्लैश लॉस। क्या आप लोग कैलकुलेट करके बता पाओगे? स्टार्ट इफ यस। रामया इज आस्किंग सर लिखना है क्या, डू वी नीड टू राइट और वील डू इट? सी एवरीथिंग इज बाय डिफॉल्ट देयर इन योर बुक एज सच, सी हियर 12 14 12 9 इन योर मैजिक बुक, इन योर ऑप्टिमाइज्ड, एवरीथिंग इज देयर, ट्रेडिंग एट प्रीमियम, ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, एवरीथिंग इज देयर। आई एम राइटिंग बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, यू मे राइट इट लेटर ऑल्सो, प्लस दिस पीडीएफ इज ऑल्सो देयर विद यू, बिकॉज इफ आई गिव यू द राइटिंग टाइम देन इट विल टेक टू मच टाइम, सो एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट वाइज एवरीथिंग आई विल बी टेक केयर ऑफ, बट दैट मच यू हैव टू सी। चलो 2,000 प्रॉफिट 1,000 लॉस, वॉट इज दिस, ये क्या बात हुई यार? कैलकुलेट इज प्रॉफिट और लॉस, 2,000 1,000 दो दो प्रॉफिट लॉस कैसे आ सकता है भाई? हेलो व्हाट आर यू गाइस डूइंग? बॉस अगर क्लोज एंडेड फंड है देन इन दैट केस नैव इज ऑफ नो यूज। आई जस्ट गेव इट टू कंफ्यूज यू।
कम ऑन यार, नैव का क्या यूज है बॉस? आर यू गोइंग टू सेल इट विद द म्यूचुअल फंड कंपनी? नो ना, यू आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट. मार्केट प्राइस इज दिस इज नॉट नैव, दिस इज मार्केट प्राइस. हाउ डेयर यू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन नैव? यू शुड हैव आस्क्ड मी फॉर अ मार्केट प्राइस. नो, दिस इज क्लोज एंडेड फंड. क्लोज एंडेड फंड है ना ये. ओके ओके, मार्केट प्राइस. नाउ नाउ यू विल से सर नैव इज ऑफ नो यूज इन क्लोज एंडेड फंड. अब अपन क्या करेंगे इसका सल्यूशन. एम आई क्लियर गाइज? बॉस, नैव इज ऑफ नो यूज इन क्लोज एंडेड फंड. जो होने वाला है वो मार्केट प्राइस पे होने वाला है, क्योंकि अब नैव म्यूचुअल फंड कंपनी का है, बट आप म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं सकते क्लोज एंडेड. सॉल्यूशन, सो अपन बोलेंगे अपने को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस, बराबर है. सो वी विल से, देखो मैंने परचेस किया था 1000 यूनिट 10 रुपए में, तो कितना हुआ ₹10,000. फिर मैं गया मार्केट में उसको सेल करने को, ऑलवेज एट मार्केट प्राइस क्योंकि क्लोज एंडेड फंड है. सो 1000 यूनिट्स, मार्केट प्राइस चल रहा है 9 पर यूनिट, तो 9000 में मैंने OLX पे बेच दो. तो क्या आया है अपने को सर? अपने को आया है लॉस ऑफ ₹1000. Got it. चलो डन सर, समझ में आ गया. इस बात पे अपन लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एवरीबॉडी ऑफ योर ऑप्टिमाइज. एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाओ. चलो फटाफट, चलो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाओ. खुद से 2 मिनट रीड करके ट्राई करो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलो भाई स्टार्ट. सो सॉल्यूशन, आओ रीड करते हैं. पहले तुम लोग का कुछ आंसर आया तो बता दो भाई. सर, शुड वी राइट सॉल्यूशन एंड फॉर्मूला एग्जैक्टली एज पर स्टडी मैट इन एग्जाम, और वी कैन राइट इन ओन वे? यू कैन राइट इन योर ओन वे. एनी विच केस इट इज गोइंग टू बी सिमिलर ओनली, नॉट दैट योर फॉर्मूला विल चेंज. ऑलमोस्ट गोइंग टू बी सिमिलर, यू कैन राइट योर ओन वे, नो वरीज. मिस्टर विवेक परचेज्ड 3 year क्लोज एंडेड फंड ऑफ टाटा व्हेन द फंड वाज लॉन्च्ड एट एन ओपनिंग ऑफर प्राइस ऑफ ₹10 per unit. सिंस देन द यूनिट्स गॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. आफ्टर अ ईयर नैव ऑफ द फंड वाज 12.5. हाउएवर यूनिट्स ऑफ द फंड वर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ड्यूरिंग द ईयर. अ डिविडेंड ऑफ 5% वाज आल्सो गिवन. चलो बहुत अच्छी, जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले अपना काम है वो इंफॉर्मेशन को लिखने का. सबसे पहला क्या इंफॉर्मेशन दिया है गाइस? सबसे पहला क्या इंफॉर्मेशन दिया है? परचेज्ड अ 3 year क्लोज्ड एंडेड फंड व्हेन फंड वाज लॉन्च्ड एट एन ओपनिंग प्राइस ऑफ 10 per unit. तो मिस्टर विवेक है, इन्होंने 10,000 units परचेज किए एट द रेट 10 per unit इक्वल टू ₹1,00,000. ओके सर, समझ गए, डन. सेकेंड, सिंस देन द यूनिट गॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर अ ईयर नैव ऑफ द फंड वॉज 12.5.
यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर दो चीज होगी, क्या होगा? नैव दिया है, नैव नैव कितना दिया है देखो, 12.5। मुझे एक बात बताओ, क्या अपने को नैव कोई काम का है क्या? क्लोज्ड एंडेड फंड में नैव कोई काम का है क्या? सरा भी नहीं, कता भी नहीं। बट द मोस्ट क्रूशियल कैलकुलेशन इज दिस, द यूनिट्स ऑफ द फंड वर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। अब ये प्रीमियम या डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं बता देता हूं, दैट द प्रीमियम और डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नैव। सुनो ना, यहां पे ये प्रीमियम है या डिस्काउंट कैसे पता चला? क्योंकि तुम लोग ने नैव को बेस में रखा और मार्केट प्राइस को कंपेयर किया। नैव को बेस में रखा 12, मार्केट प्राइस देखा 14 प्रीमियम। नैव को बेस में रखा 12, मार्केट प्राइस को कंपेयर किया 9 डिस्काउंट। समझ रहे हो? सो नैव इज केप्ट एट द बेस और उसके ऊपर डिस्काउंट या प्रीमियम कैलकुलेट होता है। आपको चाहिए मैं इसका नोट लिखवा दूंगा, डोंट वरी। सो मार्केट प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड विल बिकम कितना? 12.5 माइनस 25%। नाइन पॉइंट 375 पर बस एक नोट लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। क्या रे वो, क्या रे वो? प्रीमियम और डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन नैव पर। प्रीमियम स्लैश डिस्काउंट इन क्लोज्ड एंडेड फंड कैलकुलेटेड ऑन नैव पर यूनिट। ऑन नैव पर, डन। नाउ द सम बिकम्स वेरी इजी। अच्छा, उन्होंने कुछ डिविडेंड भी दिया है। देखो, डिविडेंड ऑफ 5% वाज गिवन। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ऑलवेज रिमेम्बर, डिविडेंड कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। सो नेक्स्ट सुनो, म्यूचुअल फंड डिविडेंड। अभी सुनो, ध्यान से समझना क्या बोला है। देखो, ड्यूरिंग द ईयर अ डिविडेंड ऑफ 5% वॉज गिवेन, मतलब आपको डिविडेंड मिला है। सो डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। लिख लेते हैं अपन, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। FV कितना है? ₹10 पर यूनिट इंटू 5% डिविडेंड परसेंटेज, तो कितना हो जाता है? ₹0.5 पर यूनिट। 10 × 5% 0.5 पर यूनिट। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये मिला है, ये मिला है। विवेक रिसीव्स दिस डिविडेंड, किससे मिला है? विवेक रिसीव्स दिस डिविडेंड कहां से? फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनी, फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनी। समझ गए? समझ गए सर। सो अब बताओ टोटल रिटर्न कितना मिला है? कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स किसका? मिस्टर विवेक का। सो वी विल से, विवेक बाबू परचेज प्राइस कितना था आपका? तो विवेक बाबू विल से, सर 10 रुपए में। सुनो ना, किसी भी चीज का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक तो कितने में खरीदा, तो 10 रुपए में खरीदा, सो ₹10 पर यूनिट। दूसरा, कितने में बेचा, तो सेल प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट कितने में बेचा, तो 9.375 कुछ में बेचा, 9.375 पर यूनिट। एंड द लास्ट चीज,
कुछ इनकम मिला क्या? हाँ सर, डिविडेंड इनकम मिला है। तो ये मिला, सेल प्राइस में पैसा मिला, परचेज में पैसा गया, कितना? 0.5 पर यूनिट यहां पे मिला है। सो मेरा नेट रिटर्न कितना आया? बोलो बोलो, टेल टेल। आई विल से दैट 10 रुपया गया, बट उसमें से 9.375 आया, प्लस 0.5 डिविडेंड के नाम पे आया, तो इवेंचुअली 9.375 प्लस 0.5 -10, ओ लॉस हो गया -0.125 का। समझ में आया? गॉट इट गाइस? सो वी विल से देयरफॉर नेट रिटर्न इन परसेंटेज, सो कैन आई से कि -0.125 का मेरा लॉस हुआ है। इन्वेस्टमेंट किया था 10 रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो अपने को परसेंटेज टर्म्स में मिलेगा 1.25% का लॉस। समझे? 10 रुपए में खरीदा, 9.375 में बेच दिया, 0.5 का इनकम मिला। सो नेट तो मेरे पास 10 रुपए खरीद के बचा, पॉइंट माइनस 1.25 ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 रुपीज, 1.25% लॉस। अच्छी है एवरीवन। अब इसके बेसिस पे सुनो ना, इसके बेसिस पे कोई मुझे बोलेगा कि रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न्स परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो विल आई बी एबल टू डू इट? द आंसर इज यस। मैं बोलूंगा सेल प्राइस प्लस एनी इनकम रिसीव माइनस परचेज प्राइस डिवाइड बाय परचेज प्राइस इज माय रिटर्न। नहीं समझे? आओ देखो इधर, सेल प्राइस पर यूनिट, डिविडेंड और अदर इनकम पर यूनिट, लेस परचेज प्राइस पर यूनिट, द होल डिवाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट। समझी गई एवरीबॉडी? बोलो बोलो, टेल टेल। एनी डाउट्स? सो ये वन मोर फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव। एनी डाउट्स? कैन वी मूव ऑन? ठीक है, क्लियर? इज देयर एनी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड इन स्टॉक मार्केट राइट नाउ? द इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स आर क्लोज एंडेड, अदर्स आर ऑल ओपन एंडेड। आज की तारीख में कोई भी क्लोज एंडेड लेगा या ओपन एंडेड लेगा? सीधी सी बात है, ओपन एंडेड। एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू ट्रेडिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग, हु वॉन्ट्स टू गेट स्टक इन? बट ELSS फंड जो होते हैं वो बाय ATC, सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि नहीं, इट हैज टू बी लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो वो जो फंड निकलते हैं ना, वो क्लोज एंडेड फंड निकलते हैं। समझ रहे हैं? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विल बी योर होमवर्क। ऑन सिमिलर लाइंस इट इज देयर, ऑन सिमिलर लाइंस इट इज देयर। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, सी मिस्टर वी परचेज अ क्लोज एंडेड फंड नैव पर यूनिट 25 फॉर ओनली ₹20। सो ये मार्केट प्राइस होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर द फंड वॉज सेलिंग एट रुपीज, फंड नैव वॉज 27, वॉज सेलिंग एट अ 5% प्रीमियम। सो ये उसका मार्केट प्राइस है। इट डिड नॉट पे एनी रिटर्न और कैपिटल गेन, हाउ मच वॉज द ओरिजिनल डिस्काउंट एंड वॉट वॉज वीज रिटर्न? सो आई थिंक प्रिटी मच सिंपल, इजी टू मैनेज, राइट? सो हम लोग ने खरीदा 20 रुपए में और अभी 27 रुपए का भाव, 27 भी नहीं, नया वॉज सेलिंग एट 27 प्लस 5% प्रीमियम। सो
28.35 माइनस 20 डिवाइड बाय 20, क्योंकि हम लोग ने तो 20 में खरीदा ना मार्केट प्राइस, सो इट इज 41.75% सीयर, 41.75%। व्हाट होमवर्क, इधर ही सॉल्व हो गया, चलो कोई बात नहीं, डन। नेक्स्ट, अब इसमें डिस्काउंट परसेंटेज खुद से भी कैलकुलेट कर पाओगे। नैव 25 का है, मार्केट में 25 में मिल, 20 रुपए में मिल रहा है, मतलब 25 रुपए का चीज 20 रुपए में मिल रहा है, तो इट इज अ डिस्काउंट, इट इज अ डिस्काउंट। क्लियर एवरीबॉडी, डन। क्वेश्चन 12, नैव पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड वॉज 28, वैल्यू कम्स टू 28.8, क्या करेंगे अपन। ऑन द सेम डेट इट वॉज ट्रेडिंग इन मार्केट एट 3% प्रीमियम, दो ऑन 1/1/14 सेम वॉज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। देखो ये लोग ने अपने को दो डेट्स दिया है, ठीक है, एक डेट है 1/1/14, एक डेट है 1/1/14, दूसरा डेट है 31/12/14, एक साल के बाद। अब सुनो, अब ये क्लोज एंडेड फंड है, अच्छा इसमें ये लोग ने नैव भी दिया है, मार्केट प्राइस इनडायरेक्टली दिया है। नैव कितना दिया है देखो, 28 एंड 28.8। अब सुनो क्या हुआ, मार्केट प्राइस बोला, क्या बोला, इन द सेम डेट यूनिट वॉज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 3%, कब, ऑन 31/12/2014, सो 28.8 3% का प्रीमियम पे बिक रहा है, मतलब महंगा, मतलब एक्स्ट्रा 0.8 प्लस 3%, सो 29.664, बट डिस्काउंट पे मिल रहा था एट स्टार्टिंग में, सो 28 माइनस 5%, समझ रहे हैं ना आप लोग, 26.6, ये है डिस्काउंट, ये है प्रीमियम। बस अब आपको रिटर्न फाइंड करना है, सो फॉर दैट वी विल यूज दिस, नो, रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, तो सेलिंग प्राइस कितना है, देखो रिटर्न विल बी व्हाट, सेलिंग प्राइस प्लस डिविडेंड लेस परचेज प्राइस डिवाइड बाय परचेज प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 26.664, डिविडेंड कुछ दिया है क्या, यस, एक्स वाई जेड जो म्यूचुअल फंड, एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड है डिविडेंड ऑफ 2.8 एज इनकम एंड कैपिटल गेन, सो 2.8 लेस, अपने को मार्केट प्राइस ही लेना है, 26.6 डिवाइड बाय 26.6, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा कितना, बोलो बोलो कितना, 22.0451%। हे समझ, याद रखना भाई, जब क्लोज एंडेड फंड हो तो नैव ही, सॉरी मार्केट प्राइस ही इंपॉर्टेंट होता है, बट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए नैव चाहिए, क्योंकि वो लोग कई बार प्रीमियम डिस्काउंट नैव के ऊपर कैलकुलेट करके देते हैं। चलो डन, एनी डाउट्स एनीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अब 15 मैं डिस्कस कर रहा हूं, 16 होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन 15 डिस्कस, क्वेश्चन 16 होमवर्क। तो आज कौन सा सम्स हो गया मुझे बताओ ना, आज क्या क्या हो गया अपना, कोई मुझे बताएगा। चलो पहले अपन लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, फिर तुम लोग के साथ वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सुनो अभी ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ए म्यूचुअल फंड कंपनी हैज द फॉलोइंग एसेट्स, कंपनी LMNP, नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, 30,000, 20,000, 60,000, फर्स्ट फेब्रुवरी
मार्केट प्राइस, 2 फरवरी मार्केट प्राइस, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 6 लाख, कैलकुलेट नैव ऑफ द फंड। तो अब करंट नैव ऑफ द फंड अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑन करंट बेसिस, मतलब ऑन फर्स्ट फेब। चलो ये तो तुम लोग कर ही लोगे। सेकेंड, अज्यूमिंग वन मिस्टर ए सबमिट्स अ चेक ऑफ 30 लाख टू द म्यूचुअल फंड एंड द फंड मैनेजर परचेज 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड द बैलेंस इज हेल्ड इन द बैंक, तो बोलो क्या होगा। सो जब ये एम लिमिटेड नया शेयर खरीदेगा, सो सी कब खरीद रहे वो, ये सब कब हो रहा है पता है क्या? सी दिस इज 2 फरवरी एंड का प्राइस, ये तो बीच में ही आ गया, सो इसको तो 1 फेब का ही रेट लग जाएगा, समझे क्या? सो ये खरीदेगा एट द रेट 312.4 के हिसाब से, सो 8,000 इंटू 312.4 बोलो कितना होता है, 24,99,200। तो सुनो अभी, 24,99,200 का हम 30 लाख का चेक आया है, याद है अपने पास उर्वशी आई थी चेक लेकर, तो 30 लाख रुपए उर्वशी लेकर आई, वो जो 30 लाख है उसमें से मैंने क्या किया, इमीडिएटली 8,000 शेयर खरीद लिया एम लिमिटेड का, 8,000 शेयर खरीद लिया एम लिमिटेड का, तो 24,99,200 है, बट उर्वशी तो लेकर आई है 30 लाख, तो माइनस 30 लाख मैंने किया तो कितना बच रहा है, 5,08,000। तो ये बोलेंगे अपन लोग बैलेंस इन कैश कितना, 5,00,800। अच्छा उर्वशी जैसे ही आएगी उसको कितना यूनिट्स मिल जाएगा, वो बोलेगी 30 लाख रुपए डिवाइड बाय हम लोग जो यहाँ पे अभी नैव पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, उससे अपने को पता चल जाएगा उर्वशी को नंबर ऑफ यूनिट्स कितना मिला है। कुछ समझा या ओवरहेड्स पूरा बाउंसर गया, बोलो बोलो चल चल। चलो मैं ये लिखवा देता हूं तो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लिखवा देता हूं, आओ आओ आओ। क्वेश्चन 15, मतलब मैंने ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन तो कर दिया है, तुम्हारे ऊपर है इसलिए लिखवा भी रहा हूं। ओ तुम लोग का इतना सारा व्हाट्सएप सा मैसेजेस आया मैंने पढ़ा ही नहीं, सॉरी 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 यार, कुछ आई थिंक मैंने प्रीवियस सब में कुछ गड़बड़ किया है, क्या गड़बड़ किया है भाई, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? मैंने प्रीवियस सब में कुछ गड़बड़ किया है क्या कि राइट है? अच्छा ये 29 आएगा, हाँ वो तो लिखने में मेरे से गलती हुआ है रे बाबा, लिया मैंने वही है रे बाबा, लिखने में गलती हुआ है रे बाबा। अच्छा मेरे को पता नहीं चैट्स ही नहीं दिखा, अब मैं देख रहा हूं तो अब मुझे चैट्स दिख रहे हैं। हाँ ठीक है हो गया, इन शॉर्ट आंसर तो मेरा करेक्ट ही है, मैंने लिया 29.664 ही है मेरे कैलसी पे, आई डोंट नो लिखने में क्या हो गया। अब सुनो क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 में मेरे को पहले फर्स्ट फेब का नैव पर यूनिट कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मैं लिख दूंगा चारों, क्या चारों, एम एल एम एन पी, चारों का मैं इधर कंपनी का नाम लिख दूंगा, तो लिख दूंगा इधर आ जाओ एल एम एन पी नंबर ऑफ शेयर्स बोलो कितना है नंबर ऑफ शेयर्स, एल का 20, 30, 20, 60। हाँ भाई ओके ओके डन। नेक्स्ट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है,
मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, बोलो बोलो चल चल, 20 312.4, 361.2, 505.1. बराबर है रितिका, आते आते तेरे पॉइंट पे आते, रुक जा मेरे को सॉल्व कर लेने दे तो हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ ये सब का टोटल नैव कितना आ रहा है, नैव कितना आ रहा है, नैव नैव कितना आ रहा है, 4 4730 2000, 4730 2000 डिवाइड बाय यूनिट्स, वो तो दिया हुआ है बैठा बैठा 6 लाख यूनिट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में एकदम क्लियर कट, 6 लाख यूनिट्स। सो बोलो नैव पर यूनिट कितना आ जाएगा, सो इट विल बी 4730 4730 2000 डिवाइड बाय 6 लाख, 78.8367। बराबर है, क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट, नो डाउट, 78.84। अब आपने को दो ही डेसिमल में लेना है नैव पर यूनिट, डन। अब सुनो तो 78.84 ही लिख देता हूं इसको, डन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इधर तक डन है, नैव शुड बी इन फोर डिजिट्स, यूनिट्स मैंने नैव बोला था क्या, रुको ना देख लेते हैं मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, फोर डेसिमल्स, ठीक है चलो फोर डेसिमल्स ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8367। अब आगे बढ़ते, अब सुनो क्या होता है, 1 फेब को 3 बजे, 3:30 बजे हम लोग ने बोला उनको भाई क्या भाव है, नैव पर यूनिट क्या है, हमने बोला 78.8367 पर यूनिट, हम लोग ने ये बोला उनको ये भाव है। अब 2 फेब को हमारे पास आया, कौन आया, मिस्टर ए, 3:30 बजे के पहले आया, दैट्स ऑब्वियस, मिस्टर ए 2 फेब को मिस्टर ए कम्स बिफोर 3:30 PM, ओके हेलो, मिस्टर ए कम्स बिफोर 3:30 PM, ओके आ गया, वेरी गुड, एंड गिव्स ₹30 लाख, वाओ। अब इमीजिएटली जैसे ही वो अपने को 30 लाख रुपीज रोकड़ा देगा, अपने को उसको यूनिट्स देना पड़ेगा, तो कितना यूनिट्स देंगे, सो देयरफॉर यूनिट्स इश्यूड टू मिस्टर ए 30 लाख डिवाइड बाय 78.8367 इक्वल टू इक्वल टू 380053.34। तो इतना यूनिट्स वी हैव गिवन, टू मिस्टर ए, इतना यूनिट्स हम लोग ने मिस्टर ए को दे दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब सुनो क्या होता है, ये पैसा लेके
मिस्टर ए समझा जाए, फंड मैनेजर परचेजेस 8,000 शेयर्स ऑफ एम, सो ऑन 2 फेब नॉर्मल टाइम को ही क्या होता है, हमारा ये हीरो जाता है और बोलता है ₹30 लाख है, ₹30 लाख है, क्या करता है वो, बोलता है मेरे को 8,000 शेयर्स खरीदने का है एम लिमिटेड का, रितिका ध्यान देना अभी, एम लिमिटेड का शेयर्स खरीदने का है। तो अब ये जो प्राइस है ना, ये एंड का है, अपन तो नॉर्मल टाइम पे जा रहे हैं, सो वी विल टेक 312.4। समझ में आ गया क्या आपको, एट द रेट ₹312.4, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल टाइम का यही रेट है। तो देखो कितना आता है, तो ये आता है ₹24,992। इतिका जी समझे आप, डन, यस क्लियर है, 24,992 का शेयर्स परचेज किया किसने, म्यूचुअल फंड ने, शेयर्स परचेज ऑफ एम लिमिटेड, ऑफ एम लिमिटेड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी। तो अब मेरे पास सरप्लस कैश कितना बचा बताओ, मेरे पास सरप्लस कैश बचता है 30 लाख में से 24,992 तो गया, तो कितना बचा, करेक्ट ₹5,08,000, बराबर है। अब मेरे को बोला है नया नैव कैलकुलेट करो, न्यू नैव कब, ऑन 2 जैन एन, तो अब मैं लिखूंगा यहां पे मेरे पास चार है, LMNP, एल ज्यों का त्यों 20,000 शेयर्स, बट एम के शेयर्स मेरे पास पहले कितने थे 30,000, अब हो गए हैं 38,000, क्या तुम लोग को समझ में आ रही है बातें, 30+8,000 ये हो गया 38,000, एम उतना ही रहेगा, पी उतना ही रहेगा, मार्केट प्राइस 2 जैन का दिया हुआ है 20.5, जो भी है जो भी है, याद रखना लास्ट में ऐड करना है सरप्लस कैश ऑफ 5,008,000, आपको मिल जाएगा नैफ, आपको मिल जाएगा नैफ। ए समझ गुडू एवरीबॉडी, एनी क्वेश्चंस। दूसरा चीज लास्ट में जो बताना चाहता हूं वो है आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, बॉस 6 लाख था प्लस इशूड टू ए, ये ना भूलना, ए को कितना इशू किया यूनिट्स, ए को 38,053.34 यूनिट्स इशू किया, समझे, तो आ गया 6,38,053.34 यूनिट्स। जी हाँ, यस यस मुझे पता है सर, बस हाँ बस, बट क्या आप लोगों को समझ में आया, अच्छा था आज का सेशन, एनी डाउट्स एनीबॉडी, गुड, काफी कुछ सीखे अपन लोग ने, यस रामैया जी, वी हैव एडेड सरप्लस कैश, वी हैव एडेड द इशूड यूनिट्स, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स आर नाउ 6,38,053, इज द वाइब मैचिंग गाइस, इज द वाइब मैचिंग एवरीबॉडी, यो चलो, तो आज अपन लोग ने कौन सा क्वेश्चन किया मुझे खाली बता दो एक बार, सो मेरे पास यहाँ पे क्लैरिटी रहेगा। देखो होमवर्क में क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 16 दे दिया है तुम्हारे को, आज अपना क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 15, वाओ अमेजिंग है ना, क्या क्या किया अपन लोग ने आज, एक तो नैव पर यूनिट का कॉन्सेप्ट कर लिया, फिर क्लोज एंडेड फंड कर लिया,
वो येस्टरडे नैव वाला जो था वो कर लिया, क्लोज एंडेड फंड कर लिया, ओपन एंडेड फंड कर लिया, काफी अच्छा हो गया। ओके चलो, अब टाइम फॉर मी टू से अस्ता ला विस्ता, मिलते हैं कल, और एक लेवल अप बढ़ते जाएगा। एंड सही है, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, बाय। ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे वहां पे, जहाँ पे सब चीजें। काइंडली शेयर द पीडीएफ फॉर क्वेश्चन सर, बुक्स आर येट टू अराइव। पीडीएफ ऑफ दिस इज ऑलरेडी शेयर्ड इन द टेलीग्राम चैनल, मानसी जी, मानसी जी टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी शेयर्ड है, आप प्लीज चेक कीजिए ना, मिलेगा आपको। कल ही मैंने शेयर किया था, कल थोड़ा ऊपर जाके देखोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही। बाय। नोट्स लोड नहीं हुआ, अरे मेरे भाई अभी कंप्लीट तो होने दे लेक्चर, फिर नोट्स लोड होगा ना संकेत भाऊ। व्हेन क्लासेस विल बी अपलोडेड, यूजुअली क्लासेस विल बी अपलोडेड बाय 4 PM। सर ईटीएफ एंड क्लोज एंडेड फंड ऑफ म्यूचुअल फंड आर डिफरेंट और सेम? डिफरेंट। व्हाट इज द डिफरेंस? आई विल टेल यू व्हेन आई टीच यू ईटीएफ। फॉर यूनिट इश्यू टू ए टोटल ऑफ 30 लाख। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, आ जा आ जा आ जा। रितिका के दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहा है, आ जा रितिका। देख जो 30 लाख रुपीज, जैसे ही ए ने 30 लाख रुपीज दिया, जैसे ही ए ने 30 लाख रुपीज दिया, उसको अपने को नंबर ऑफ यूनिट्स देना है। तो ए का 30 लाख रुपीज मेरे पास आया, मैंने उसको कल के नैव के ऊपर यूनिट्स इशू कर दिया। बराबर है, ये यूनिट्स मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में ऐड भी कर दिया। बराबर है, अब उसको यूनिट्स मिल गया है, मेरे को 30 लाख मिल गया है। इस 30 लाख का मैंने क्या किया, एम का शेयर्स खरीदा 312.4 के हिसाब से, फिर भी मेरे पास 5,08,000 बचा है, वो मेरे पास सरप्लस कैश होगा। जब मैं फाइनल नैव बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा अब मेरे पास 38,000 शेयर्स आ गए, उसका मार्केट वैल्यू प्लस सरप्लस कैश भी यहाँ पे ऐड होगा, और ये जो यूनिट्स उसको इशू किया है वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग यूनिट्स में आ जाएगा। सो डिवाइड बाय, जब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स करूंगा ना, नैव डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 638,053.34 से करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क जरूर कीजिएगा, इसी के ऊपर बेस्ड है। आप लोग के और भी कोई डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं कल नए सेशन में, नए कॉन्सेप्ट्स, नए सम्स, नए एग्जांपल्स के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे थे कि सर हमारे फ्रेंड्स को भी ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं क्या? द आंसर इज येस। फर्स्ट एक दो लेक्चर वैसे भी मैं यूट्यूब पे डाल ही रहा हूँ, तो यूट्यूब पे आप लोग वो लोग देख सकते हैं, और कल से या जब से उनको ज्वाइन होना है दे कैन ज्वाइन इन, और दे कैन ऑल्सो परचेज द गूगल ड्राइव एज दे वॉन्ट। Hasta la vista, keep smiling, thank you so much, take care, bye-bye.